सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज एक टॉपिक डील कर रहे हैं जॉब स्टेटिक का, बहुत कॉमनेस्ट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, प्री टर्म लेबर या प्री टर्म डिलीवरी या प्री मैच्योरिटी किसको बोलते हैं। बात समझना आप एक बार से, जब टर्म से पहले जब डिलीवरी हो जाती है तो उसको बोलते हैं प्री टर्म डिलीवरी। अब टर्म क्या है इसके बारे में बात करते हैं पहले कि टर्म किसको बोलते हैं। देखिए, जैसे नॉर्मल में ये एलएमपी किसको बोलते हैं, जो लास्ट मेंस्ट्रुएशन जो आती है ना, लास्ट मेंस्ट्रुएशन उसको बोलते हैं एलएमपी बोलते हैं, जो लास्ट आया था है ना, उसको जिस जो पहला दिन को डीवर कहते हैं उसी दिन से काउंट करते हैं। जिस दिन लास्ट मेंस्ट्रुएशन में जो पहला दिन जो ब्लीडिंग होती है उसी दिन से काउंट करते हैं, उसको एलएमपी कहते हैं। अब उसके बाद से लेकर के और ईडीडी, ईडीडी कब तक बोलते हैं, ईडीडी बोलते हैं 40 वीक, 40 वीक। और 40 वीक को कैसे निकालते हैं, तो 9 महीना 9 मंथ प्लस 7 डेज, कब से, ईडीडी से। तो ईडीडी से 9 मंथ और प्लस 7 डेज, ये जो होता है ना इसको हम लोग बोलते हैं एलएमपी प्लस 9 मंथ प्लस 7 डेज, इसको बोलते हैं ईडीडी। पूरा बोलते हैं तो लगभग 40 वीक हो ही जाता है ये। अब क्या बात करते हैं कि अगर ये 40 वीक जो डिलीवरी का एक समय दिया गया है, अगर इसमें डिलीवरी होती है ईडीडी, तो अगर बाय द वे इसमें भी बोला जाता है कि अगर ये 38 वीक से लेकर और 40 वीक के बीच में, 38 से 40 वीक के बीच में अगर डिलीवरी होती है तो इसको हम बोलते हैं टर्म डिलीवरी बोलते हैं, 38 से 40 के बीच। और अगर बाय द वे 37 वीक, अगर 38 से 37 के बीच अगर होता है तो इसको बोलते हैं हम लोग अर्ली टर्म डिलीवरी बोलते हैं, अर्ली टर्म डिलीवरी। यानी कि 37 से 38 के बीच बोलते हैं अर्ली टर्म डिलीवरी, अर्ली टर्म डिलीवरी। और 38 से 40 के बीच बोलते हैं क्या, टर्म डिलीवरी। और 40 से लेकर के और 42 को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लेट टर्म डिलीवरी। और 42 के बाद को बोलते हैं पोस्ट टर्म डिलीवरी। ये बात समझ में आ गया कि नहीं। तो 40 वीक क्या होता है, ईडीडी होता है। 38 से 40 के बीच को क्या बोलते हैं, टर्म डिलीवरी। 37 से 38 के बीच क्या बोलते हैं, अर्ली टर्म डिलीवरी। और 40 से 42 के बीच बोलते हैं लेट टर्म डिलीवरी। और 37 वीक से पहले जो डिलीवरी होती है उसी को बोलते हैं प्री टर्म डिलीवरी। यानी इससे जो पहले होता है, इससे पहले के कारण वो बोलते हैं प्री टर्म डिलीवरी है ना। अब कब से, 28 वीक से लेकर, यानी 28 वीक से लेकर के कब तक, 37 वीक के बीच में अगर डिलीवरी होती है तो उसको बोलते हैं प्री मैच्योरिटी या प्री टर्म डिलीवरी बोलते हैं। तो यह तुम्हारा डिफिनेशन मिला कि अगर 37 वीक से पहले अगर डिलीवरी होती है, एक्सपल्सन होता है फीटस का, लाइव फीटस का, लाइव फीटस, उसको बोलते हैं क्या, हम प्री टर्म डिलीवरी या प्री मैच्योरिटी बोलते हैं। तो ये हम लोग समझ में आ गए इसके डिफिनेशन के बारे में। अब बात करते हैं इसके कारण के बारे में, आखिर क्यों ऐसा होता है जो टर्म से पहले डिलीवरी हो जाती है। तो हम लोग इसको सिक्वेंस में समझते हैं, क्योंकि अगर सिक्वेंस पढ़ेंगे तो वो याद हो जाएगी। अब सिक्वेंस सबसे पहले देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फीटस से। फीटस कौन से स्टार्ट करते हैं, इतना मालूम है कि डिलीवरी के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होती है, फीटस का हाइपोथैलेमस से निकला हुआ हार्मोन है ना। कैसे डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी कैसे होती है, नॉर्मल लेबर कैसे होता है, उसको देख लेते हैं जरा सा। तो नॉर्मल डिलीवरी होती है वो कैसे होती है, देखिए जैसे फीटस जब टर्म हो जाने पर, ये जैसे भी हो, जो फीटस का हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस या हाइपोथैलेमस क्या बनाता है, सी कॉर्टिकोट्रॉप रिलीजिंग हार्मोन, CRH। CRH क्या करता है, फीटस के पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्ट करता है और उसके पिट्यूटरी ग्लैंड से ACTH बनाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ACTH बनता है। यह ACTH क्या होता है, यह चला जाता है फीटस के एड्रिनल कॉर्टेक्स पर, एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स पर एक्शन करके क्या बनाता है, वहां से एड्रिनल कॉर्टेक्स से तैयार करता है वहां से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड
अब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो होता है फीटस के बॉडी से निकल के और एक्शन करता है कहाँ पे, प्लासेंटा पे। प्लासेंटा से क्योंकि क्या बनता है, एस्ट्रोजेन, यहां से बनता है क्या, एस्ट्रोजेन। एस्ट्रोजेन से क्या बनता है फिर, सल्फेक्टेज, सल्फेक्टेज। अब सल्फेक्टेज इंजाइम जो होती है यही लेवर पेन कराता है। तो ये नॉर्मल तो यही कंडीशन आया लेवर पेन होने का। अब अगर सपोज दैट किसी बच्चों में पहले ही सीआरएच बनने लगा, 37 वीक से पहले ही अगर सीआरएच बन जाता है, 35 वीक से पहले हाइपोथैलेमस से अगर सीआरएच बनने लगा, तो उस केस में पहले ही ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बनेगा और पहले ही क्या होगा यहाँ पे जो प्लासेंटा से सल्फेक्टेज बनेगा और इसी कारण से क्या डेवलप करेगी, पहले लेवर पेन स्टार्ट हो जाएगी। ये तो होगा लेवर पेन पहले होने का कारण। अब बात करते कि होता क्यों है, उसका कुछ फैक्टर देखते हैं। तो वन बाय वन के फैक्टर देखते हैं। सबसे पहला देखते हैं क्या कि फीटल स्ट्रेस, अगर वो फीटल स्ट्रेस है तो स्ट्रेस पीरियड में क्या होगी, पहले ही हाइपोथैलेमस से क्या बन जाएगा, पहले हाइपोथैलेमस से यहाँ पर हार्मोन निकल जाएगी। उसके बाद फीटल बॉडी वेट लो, अगर फीटस का बॉडी वेट अगर लो रहेगा तब भी ऐसा हो सकता है। अगला कंडीशन, फीटस में कोई कंजनाइटल डिजीज है, फीटल में कोई जेनेटिक डिजीज है, तो इसके कारण भी यह प्रीटर्म डिलीवरी हो सकता है। तो फीटस का ये होता है, कभी कभी क्या होता है फीटस का माल प्रेजेंटेशन से पोजीशन चेंज होने के कारण भी यह लेवर पेन पहले मे बी की एक्साइट हो सकता है। अब आते हैं नंबर टू, दूसरा कॉज आता है यहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड का। अगर एमनियोटिक फ्लूइड में अगर प्रेशर सपोज दैट अगर ज़्यादा हो जाता है, जिसको पॉलीहाइड्रामनोज बोलते हैं, उस केस में भी क्या हो सकता है, प्रीटर्म डिलीवरी हो सकती है। इसके बाद टू इज प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी दो है, दो बच्चा है या तीन बच्चा है, उस केस में क्या होती है कि प्रीटर्म लेवर हो सकता है, उसे लेवर भी पहले हो सकता है। नेक्स्ट कारण अगला, अगला आते हैं प्लासेंटा के बारे में। प्लासेंटा में क्या है, अब्रप्शियो प्लासेंटा, प्री सेपरेशन ऑफ प्लासेंटा, प्लासेंटा पहले सेपरेट कर गया है, उस कंडीशन में भी प्रीटर्म डिलीवरी हो सकती है, या फिर प्लासेंटा प्रीविया है उसमें भी ऐसा कंडीशन हो सकता है। प्लासेंटल टॉक्सिसिटी है, प्लासेंटल इस्केमिया है, इसके कारण भी क्या होता है कि लेवर पेन पहले हो जाता है। अब बात करते हैं यूट्रस की तरफ। यूट्रस में अगर बाइडियर फाइब्रॉइड है, यूट्राइन ट्यूमर है पहले से, या यूट्रस का पोजिशन चेंज है, कंजनाइटल यूट्रस है, इसमें सपोज दैट जैसे बायकॉर्न यूट्रस है, उस कंडीशन में भी प्रीटर्म लेवर हो सकता है। अगला सर्विस का प्रॉब्लम, सर्वाइकल इनकम्पिटेंस है, सर्विस का लेंथ छोटा है, तो इसमें भी प्रीटर्म डिलीवरी हो सकती है। अब नेक्स्ट चलते हैं ओवरी, और ओवरी में अगर ट्यूमर है, ओवेरियन सिंड्रोम है, तो उस कंडीशन में ऐसा हो सकता है। अब आते हैं अगला कंडीशन यूट्राइन टोन पे, यूट्रस का टोन सपोज़ ज़्यादा है, मे बी कि हाइपरकैल्सीमिया है, या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स, अगर थर्ड ट्राइमेस्टर में सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर कबाइल होते हैं, तो उस कंडीशन में क्या हो सकती है, वहाँ भी प्रीटर्म डिलीवरी हो सकता है, क्योंकि उसे टोन ज़्यादा हो जाएगी ना, ज़्यादा टोन होगा तो उस केस में क्या होगी, लेवर पे पहले आ जाएगा, ये भी कॉज होता है। अब बात करते हैं मैटरनल कुछ कॉज के, जैसे मैटरनल में जैसे कोई हार्मोनल डिफेक्ट हो रही है, जैसे मदर में जैसे डायबिटीज मेलाइटिस का कंडीशन है, या थायराइड डिजॉर्डर्स है, तो इसमें भी क्या होता है, प्री मैच्योरिटी होने की चांस होती है। अब बात करते हैं मैटरनल कुछ डिजीज के बारे में, जैसे मैटरनल में कार्डियक डिजीज है, मैटरनल का रेस्पिरेटरी डिजीज है, तो उसमें भी कभी कभी ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट अगला आते हैं कुछ इन्फेक्शन, मान ली कोई इन्फेक्शन होने के कारण भी प्रीटर्म डिलीवरी हो सकती है, जैसे टॉर्च इन्फेक्शन है, रूबेला है, तो इसकी वजह से भी प्रीटर्म डिलीवरी की चांसेस बनता है। ये सब उसका कभी कभी ट्रॉमा वगैरह है, एक्सीडेंट है, ये भी है, प्लस मदर का वेट अगर लो है, सोशियो इकोनॉमिक लो है, स्ट्रेसफुल लाइफ है, या फिर इसके बाद कुछ आता है प्रजेंट ऑब्स्टेट्रिक डिजॉर्डर्स, मान लीजिए सब पोदर के हाइपरमेसिक गैल्वेनियम है, एनीमिया है, डायबिटीज मेलाइटस, या फिर जॉन्डिस है, तो ये सब केस में भी प्रीटर्म डिलीवरी हो सकता है। तो ये सब जितने कॉज देखे हैं, एक फीटस के कॉज से लेकर के और एक मैटरनल तक, कहीं भी कॉज होने की वजह से, डिजॉर्ड होने से ऐसा हो सकता है। जैसे आप देखें क्या क्या, फीटस, अम्बिलिकल एमनियोटिक फ्लूइड, या प्लासेंटा, यूट्रस, सर्विक्स, ओवरी, फिर बॉडी, मदर का बॉडी का मेटाबॉलिज्म, तो ये बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिसके कारण ये प्रीटर्म डिलीवरी हो सकता है। अब यहाँ पे बात करते हैं आगे इसके सिम्टम क्या होगा। तो सिम्टम क्या होता है कि 37 वीक से पहले ही
लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है। और लेबर पेन जिसको ट्रू लेबर पेन बोलते हैं, ट्रू लेबर पेन किसको बोलते हैं, जिसमें कि जो पेन लोअर एब्डोमेन से स्टिमुलेट होती है, लोअर एब्डोमेन से ओरिजिनेट होती है और बैक में या थाई में मूव्स करती है। कंटेक्टेड पेन होती है, इंटरवल पेन होता है। इसके साथ साथ जो वेजाइनल शो दिखाई देता है, वेजाइनल में क्या होता है, म्यूकस डिस्चार्ज होने लगते हैं, सर्विक्स में डायलेटेशन हो सकती है, तो ये सब कंडीशन अगर मिलते हैं, या फिर लोअर में क्या हो सकता है, एंगेजमेंट हो सकता है, तो ये सब आपको सिम्टम मिल सकता है। अब बात करते हैं इसमें साइन के बारे में। तो साइन में वही है कि जो सर्विक्स डायलेटेशन मिलेगी इसमें, और जो फीटस है, जो बच्चा अगर जन्म लेगा तो उसका क्या होगा, स्किन लूज रहेगा, वेट कम रहेगा उसका, या फिर जो स्कल है स्कल में क्या होगी, सॉफ्टनेस होगी, जो नेल नेल है वो फिंगर टिप पे नहीं होगा। तो ये सब कंडीशन जो होता है वो बच्चों में भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन, मदर में तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है, लेकिन फीटस में कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, जैसे फीटस का डेथ हो सकता है, या फिर न्यूनेटल जॉन्डिस हो सकता है, या फिर न्यूनेटल एनीमिया हो सकता है, सेरेब्रल पैलसी हो सकता है, लिवर डिजॉर्डर का केस हो सकता है, एस्फिक्सिया न्यूनेटोरम हो सकता है। तो ये सब कॉम्प्लिकेशन जो होता है बच्चों में देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इसके इन्वेस्टिगेशन पे, हम इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे इसमें। इन्वेस्टिगेशन में ऐसे तो क्लिनिकल डायग्नोसिस देख लेते हैं, और हम लोग फिटल बेल भी करा करके देख सकते हैं, उसका ग्रोथ कम मिलेगा, वेट कम होगा, कब लिवर पेन जब चालू होता है तब देखते हैं। मैनेजमेंट क्या करते हैं, ज़्यादा मैनेजमेंट तो इसमें है नहीं, मेन फिटस का मैनेजमेंट करते हैं, प्रॉपर ऑक्सीजन उसको देख चेकअप करते हैं, रेस्पायरेशन चेकअप करते हैं उसका, फिर हार्ट बीट को चेक करते हैं, मसल स्टोन है, इस अपगर स्कोर चेकअप करते हैं, अपगर स्कोर से क्या देखते हैं, रेस्पायरेशन रेट, हार्ट रेट, स्किन कलर, फिर उसके बाद मसल टोन, रिफ्लक्स, पांच ही देख करके फिर अपगर स्कोर बता देते हैं। ये सही इसका था कंडीशन। मेन बात है इसका मेडिसिन, इसमें क्या कर सकते हैं, प्री मैच्योरिटी बॉडी है, अब इसे क्या करते हैं, बच्चों के लिए दवा चलाते हैं, मदर के लिए देते हैं, बच्चों के लिए क्या देते हैं, ल्यूपलस ह्यूमलस है वह दे सकते हैं, या कालमेक दे सकते हैं, चिलोडियम दे सकते हैं, क्योंकि लिवर इमेच्योर रहेगा, इससे डिसऑर्डर आ सकता है, तो ये हम लोग कर सकते हैं। ये था मेरा प्री मैच्योरिटी, प्री टर्म लेबर, प्री टर्म डिलीवरी, और इसमें किस तरह का क्वेश्चन होगा आप जरूर क्वेश्चन करेंगे। बाकी बातें चलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।